हार्श रियलिटी बोलूंगा कि अगर यही सेम ट्रेलर में हमें शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, ऋतिक रोशन कोई भी नजर आता तो लोग बहुत जमकर ट्रोल करते, फाड़ के रख देते। देखो यार, आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो ऑनेस्ट बात है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, कुछ ऐसी मूवीज है जो डिकेड्स में एक बार बनती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो मुगले आजम और शोले, और अगर साउथ की बात करें तो मेरे हिसाब से बाहुबली और KGF। तो अगर कोई फिल्म मेकर इस तरह की मूवी बनाने की कोशिश करता है तो वो 100% फेल होता है, क्योंकि आप लोग एक कोई एक परफेक्ट जो एक मास्टरपीस होता ना, या तो आप लोग उस मास्टरपीस से भी अच्छी एक मूवी बनाओ जो उससे भी बढ़कर हो। अगर आप लोग सिमिलर एक मूवी बनाओगे तो वो मूवी ऑडियंस सरासर रिजेक्ट कर देती है, और क्योंकि ऑडियंस को वही सिमिलर चीजें नजर आती है जो उन्होंने ऑलरेडी देख चुके, तो इसमें नया क्या है। और वही चीज हो रही है यहाँ पर साउथ की दो मूवीज के साथ, और दोनों ही मूवी अभी रिलीज हुई नहीं है। एक तो आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा पोनियन सिल्वन, जो कि ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो हूबहू इन लोगों ने बाहुबली बनाने की कोशिश की है। और बाहुबली एक ऐसी मूवी है जो कि इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री को बदल दिया, एक ऐसी साउथ की मूवी जिसने पैन इंडिया का कल्चर शुरू कर दिया था, और बाहुबली के तो क्या ही कहने। फिर उसके बाद आती है KGF, जिसने एक ऐसी इंडस्ट्री को लाइमलाइट में लेकर आ गया, जिस इंडस्ट्री के बारे में इंडिया में होने के बावजूद भी काफ़ी इंडियंस को पता ही नहीं था। जो मूवीज देखते वो लोग साउथ इंडस्ट्री बोलते थे, लेकिन अब ऐसा होगा कि भाई तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री और कन्नड़ा इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है। और कन्नड़ा इंडस्ट्री की KGF ऐसी मूवी है जिसने ना सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को आगे लेकर आई, बल्कि अपने इंडस्ट्री के लोगों को मोटिवेट किया कि भाई ऐसी मूवीज बनाओ जो पैन लेवल वाली हो। फिर उसके बाद हमने ASN देखी, फिर 777 चार्ली देखी, विक्रांत रोना देखी, बहुत सारी मूवीज देखी जो कि ऑडियंस को पसंद भी आई है। तो अब उसी KFIN के सैंडलवुड यानी कि कन्नड़ा इंडस्ट्री से एक मूवी आई है जिसका नाम है कब्जा। कब्जा मूवी में हमें नजर आते हैं उपेंद्र यानी कि उप्पी सर, अब इनको प्यार से उप्पी बोलते हैं। अब जिसको नहीं पता कि भाई उपेंद्र कौन है तो मैं आपको बता दूं कि ये रॉकिंग स्टार यश के भी बाप है, यानी कि रॉकिंग स्टार यश से भी पहले से फिल्म इंडस्ट्री में है। और ये सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक फिल्म मेकर, एक प्रोड्यूसर, एक स्क्रीन राइटर है, और ऑडियंस इसकी कितनी दीवानी है अगर ये आपको पता लगाना है तो भाई कर्नाटका जाओ या कन्नड़ा मूवी लवर्स से पूछना। और यकीन मानो यश भी खुद इनको रोल मॉडल मानता है। तो सोचो जिस मूवी में उपेंद्र हो तो वो मूवी किस लेवल की होगी। लेकिन आफ्टर सीइंग द टीजर, और ये मूवी को तकरीबन 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, शुरुआत इन लोगों की ऐसी हुई थी जैसे लगा था कि यार उपेंद्र सर किसी मूवी में आ रहे, चलो यार ठीक ठाक ही होगी। लेकिन आफ्टर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर टीजर आई एम टोटली ब्लोन अवे। यस, मैं मानता हूँ कि 90% हमको ऐसा लगता है KGF चैप्टर 2 की पूरी वाइब्स हमें टीजर में नजर आती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमारे इंडियन की एक खास बात यह है कि जो चीज़ चलती है हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जाहिर सी बात है KGF चैप्टर 2 की जो सिनेमेटोग्राफी है, जो मूवी का टोन था, जो कलर पैलेट्स उन लोगों ने यूज़ किए थे, या जिस बैकग्राउंड में उन लोगों ने उस मूवी को बनाए थे, तो वो मूवी ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। तो क्यों ना उपेंद्र सर ने और उनकी टीम ने कोशिश की कि चलो हम लोग अपनी इस मूवी को वही टोन देंगे जो प्रशांत नील ने दिया था। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो है कहानी, जहाँ पर KGF की एक अलग कहानी थी वहीं पर इस पर्टिकुलर मूवी की कहानी अलग वे में सेट है। यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस एरा देखने को मिलता है, यहाँ पर 1942 में वही अंग्रेज लोगों ने भाई पूरी तरह से हिंदुस्तानी लोगों का जीना हराम करके रखा था, खाने के वांदे हो गए थे। अब ऐसे में कैसे कुछ लोग कैसे गैंगस्टर बन गए, फिर उनका सफर कैसा रहा, वो चीज पर ये पर्टिकुलर मूवी फोकस करेगी। और इस मूवी में हमें एक्शन, वो विंटेज कार, वो कॉस्ट्यूम्स, वो इमोशंस, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल टीजर किसी गूज़बम्प्स से कम है नहीं। उसके ऊपर इस मूवी में हमें एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आते हैं बादशाह ऑफ कन्नड़ा इंडस्ट्री यानी कि सुच्चा सुदीप सर, जो सिर्फ एक कमर्शियली एक्टर नहीं है बल्कि ये एक्टिंग करते हैं। हमारे बॉलीवुड की तरह नहीं जो सिर्फ नाम के बड़े बड़े एक्टर है, लेकिन उनकी एक्टिंग देखो तो वाहियात, ये सब बिल्कुल भी नहीं, ये लिटरली एक्टिंग करते हैं। इन्होंने दबंग 3 में सलमान खान को भी अपने सामने फीका कर दिया था। सोचो किच्चा सुदीप किस लेवल के एक्टर है। और यहाँ तक मैंने ये भी सुना कि इस पर्टिकुलर मूवी में हमें डॉक्टर शिवराज कुमार यानी कि कन्नड़ा इंडस्ट्री के 3 बड़े नाम एक ही मूवी में, उपेंद्र सर, किच्चा सुदीप और डॉक्टर शिवराज कुमार, अगर एक साथ एक मूवी में हो तो मूवी किस लेवल की हो सकती है। उसके अलावा मूवी के अगर
बीजीएम की बात करें तो बीजीएम मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी इमोशनल बीजीएम, मुझे आपको अंदर से झंझोड़ देता है। सिनेमेटोग्राफी तो एज यूजुअल एकदम केजीएफ वाली वाइब्स दे रही है, लेकिन देखते हैं कि जब पूरी मूवी बनकर सामने आएगी तो वो क्या तहलका होगी। क्योंकि हमेशा मैंने एक चीज देखा कि जब किसी मास्टरपीस की कोई कॉपी करने की कोशिश करता है तो उसको उससे भी बढ़िया बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो सिमिलर बनाएगा तो एकदम फ्लॉप हो जाता है। सिमिलर इसी चीज को चलती ही नहीं है। तो अब देखना है कि केजीएफ चैप्टर 2 से एक स्टेप आगे है या नहीं है, क्योंकि अगर इस टीजर में उपेंद्र सर, किच्चा सुदीप और सबको हटा दे और रॉकी भाई को डाल देना तो भाई पब्लिक धोखा खा जाएगी, पब्लिक को लगेगा कि ये भाई केजीएफ चैप्टर 3 है। सीरियसली मतलब अभी तक तो वही लग रहा है, लेकिन ये मूवी अलग तरह का गैंगस्टर यूनिवर्स स्टार्ट कर रहा है। और ऑल दो ये पूरी की पूरी मूवीज एक ही इंडस्ट्री की यानी कि KFI की, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर में कि हमें कब्जा, केजीएफ चैप्टर 3, सालार, ये सारी की सारी मूवीज और बघीरा आपस में इंटरकनेक्टेड देखने को महसूस हो, क्योंकि लिंक होने से पब्लिक को आएगा मजा आएगा, तो पब्लिक थिएटर तक आएगी और थिएटर तक आएगी तो होगी पैसे की बारिश। तो कोई भी ऐसा राइटर, कोई भी ऐसा डायरेक्टर, कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसको पैसा पसंद ना हो। तो अब देखते हैं, फिलहाल टीजर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रॉमिसिंग लगा। और जाते जाते मैं एक हार्श रियलिटी बोलूंगा कि अगर यही सेम ट्रेलर में हमें शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय, अजय, ऋतिक रोशन कोई भी नजर आता तो लोग बहुत जम कर ट्रोल करते, फाड़ के रख देते, क्योंकि सीधा सीधा ये KGF की कॉपी लग रहा है, यकीन मानो। लेकिन आप लोगों को पता है कि अभी तो लोग साउथ वालों की मूवीज साउथ वालों को पसंद कर रहे हैं, बॉलीवुड को लोग ना पसंद कर रहे, इसलिए पोनियन सिल्वन को भी लोगों ने उतना ट्रोल नहीं किया और इस पर्टिकुलर मूवी के टीजर को भी ट्रोल नहीं करेंगे, ये सच्चाई है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी को ट्रोल नहीं करता, जो ऑनेस्ट है वही बोलता हूँ। फिलहाल आई लाइक द टीजर और मुझे बहुत अच्छा लगा, और KFI एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको आगे बढ़ते रहना चाहिए और पूरे इंडियन सिनेमा को ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि एज अ मूवी लवर हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए यार किसी भी इंडस्ट्री से। अगर हमको किसी भी इंडस्ट्री से अगर हमको अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है तो सब हमारे ही बच्चे हैं भाई। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।